दोस्तों ये एक परिवार है, देखते हैं मुर्गी पालन का काम भी है इनका और इनके मकान में सांप देखा गया है। सूचना मिली और हम मौके पे पहुंचे। ये परिवार देख सकते हैं आप, परिवार है जो मुर्गी पालन के साथ यही निवास करता है और इस परिवार यहीं पे खाना बनाता है, यहीं पे रहता है और साथ में मुर्गी पालन का भी इनके व्यवसाय है। ये यहीं पे खाना वाना बताया जा रहा है कि यहाँ सांप है। देखते हैं अब, निकाल के बताते हैं आपको। थोड़ा दूरी से पांव में जूते नहीं है। वीडियो में बने रहे हैं, बताते हैं आपको। दामन वेगा यार, दामन वेगा। इस बोरे में देखा गया था, इस बोरे को हम खींच के बाहर लेके आ गए। हाँ सर, यही हिल रहा है, दामन ही जो अभी अभी नहीं तोड़ देगा। दामन में से है दे 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 प्यार ले ले ऊपर बिच्छू का नाम कोबरा दाप है। ये रहने ऊपर रहने पर ये वो वहां से मुंह बता रहे तो बना था। आगे डग्गी हो भाई, मार दूं मैं। हेलो दिनेश, देख दे घटी ना हाल चल हो रही। काफी मुशक्कत के बाद सर ये रही इधर की सब ब्लैक ब्लैक पकड़े नहीं नहीं पकड़ 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 ये देख सकते हैं आप। चला जाएगा सर, ये देख सकते हैं आप कोबरा बहुत ही मशक्कत के बाद हाथ में आया है। स्पेक्टिकल कोबरा बहुत ही जहरीला होता है, न्यूरोटॉक्सिक जिसमें जहर होता है। इसके खाने के बाद आदमी को सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए अगर जिंदा रहना है तो। बाबा भागो थोड़ी पकड़ो सब जी। ये आप देख सकते हैं काफी एग्रेसिव था, इसको हमने कैच किया, इसको हम पैक कर रहे हैं। सर वो बॉक्स ले हूं। पर ये इसको हम पैक कर रहे हैं। लकड़ी हटाए अब चलो सर। अरे हाथ
ढक्कन दो। इसको हमने बॉक्स में पैक कर लिया। अब इसके लिए हम ऑक्सीजन के लिए चेक कर देंगे। देख सकते हैं आप, इसके ऑक्सीजन के लिए हमने इसमें छेद कर दिए हैं ताकि इसको सांस मिल सके। अब उनका कहना है कि भाई दो सांप थे तो इसके अंदर हम एक बार और देखते हैं ताकि तो इन गोबर के कंडों में इनको गर्मी मिलती है और उस गर्मी को लेने के लिए सांप इनके अंदर अक्सर छुप जाते हैं। इसमें दूसरा सांप नहीं मिला। एक बार और हम अंदर की तरफ देख लेते हैं। ये हमने देख लिया है अंदर, अब कहीं नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देते हैं थोड़ा ब्रेक और मिलते हैं इस सांप को रिलीज करेंगे वहाँ। तब तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये 3 फीट का कोबरा हमने, ये जो मकान आप देख सकते हैं यहाँ पोल्ट्री फार्म भी है और ये परिवार भी रहता है, परिवार के सदस्य हैं लोग और पड़ोसी भी हैं साथ में खड़े हुए हैं। ये कोबरा जो लगभग 3 फीट का है हमने अभी यहाँ से रेस्क्यू किया है लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे ज़्यादा उम्र इसकी नहीं है, लगभग ये 3 से 4 साल का होगा और हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। ये बड़ा जहरीला होता है, इसके खाने के बाद 40 से 50 मिनट आदमी लास्ट जीता है। इसके खाने के बाद अपन किसी देवता डैडी का नाम लेकर के उनके थान पर नहीं जाना है, टाइम खराब नहीं करना है, अपनों को सीधा जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए। पहली बात, अपन इस प्रकार का जो उलझाड़, ये जो देख सकते हैं आप थोड़ा उधर इस प्रकार की जो है, इस प्रकार जहाँ निवास है अपना घर के अंदर, वहाँ इस प्रकार के जो अनावश्यक सामान हैं उनको एक तरफ डालें, उनको घरों के बीच में नहीं रखें। जहाँ हम सोते बैठते हैं, बच्चे रहते हैं हमारे बीच में, इस प्रकार से छोटे छोटे, उनके बीच में इनको नहीं रखें। नहीं तो हमारे बजाय हमारे साथ साथ ये लोग भी हैं, ये जो जीव हैं आकर के इसमें बसेरा कर लेते हैं, फिर हम परेशान होते हैं। इस प्रकार कभी भी कोई जीव आ जाए तो आप इसको मारें नहीं, हमें फ़ोन करें, हम 24 घंटे हाजिर हैं आपके इसके लिए। जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों इस तरह मकान में थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखें और ये बेजुबान जीव है अपने पेट के लिए, भोजन के लिए इधर उधर आसपास आपके हमारे मकान में आ जाते हैं और हादसा कभी भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी मकान में साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों ये पार्सली से जो भी हमने स्पेक्टिकल कोबरा रेस्क्यू किया था, इसको यहाँ हम बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य जो हमारी पारसुली सी सीमा से मिलता हुआ है, देख सकते हैं आप, इसको हम यहाँ लेकर आए हैं रिलीज करने के लिए। वीडियो में बने रहें। दोस्तों ये बहुत ही जहरीला सांप होता है, न्यूरोटॉक्सिक इसमें जहर पाया जाता है और इस सांप के खाने के बाद आदमी को सीधा हॉस्पिटल जहाँ पे एंटी वेनम अवेलेबल हो वहीं जाना चाहिए, झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े और अपने जीवन की रक्षा हॉस्पिटल जाके करें और
सांपों को मारे नहीं, इन्हें बचाएं। देख सकते हैं आप, इसको देखने के लिए जो हमारे मित्र लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्पेक्टिकल कोबरा, जाओ दोस्त, लगभग 4 फीट का। इसको हमने यहाँ जंगल में रिलीज कर दिया है। दोस्तों सांपों को मारे नहीं, इन्हें बचाएं, और आपके हमारे घरों में आ जाए तो जो भी आपके आसपास रेस्क्यूअर है उनको संपर्क करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये हमने इसको पर्यावरण में रिलीज कर दिया है, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।